हमारी आज की पीढ़ी चरण छूने के पीछे के साइंटिफिक और आध्यात्मिक लॉजिक से उतनी फैमिलियर है जितने के पुराने लोग थे। हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को पास ऑन करें। एक बात बोलूं, अपने बच्चों को चरण छूने के फायदे बता दीजिए और फिर देखिए वो कितने दिल से छुएंगे आपके चरण। बताएंगे ना? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस। राधे सा का सभी दर्शकों को विनम्रता से भरा राधे राधे। सबसे पहले तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चरण स्पर्श के लाभ को जान सकें। अपने से बड़ों का अभिनंदन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सनातन धर्म में अपने से बड़े के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना जाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श के कई फायदे हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा होती है लक्ष्यों की प्राप्ति। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है, यानी साइकोलॉजिकल पक्ष है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है उस लक्ष्य को पाने का फल मिलता है। तो इसलिए घर से बाहर निकलते हुए अपने से बड़ों के पैर जरूर छूकर जाया करें और पैर छूते हुए आप क्या करने जा रहे हो जरूर बताएं। दिन भर वो आशीर्वाद आपका आपके टारगेट तक ले जाने में मदद करेगा। दूसरा बेनिफिट है, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। तीसरा फायदा, अगर बढ़ानी हो अपनी आयु, तेज, प्रभाव, यश, तो हर रोज छुए अपने पूजनियों के चरण। शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या और बल में बढ़ोतरी होती है। आपका यश हर तरफ बढ़ने लगता है। चौथा फायदा है, विनम्रता का सूचक है ये। चरण छूने की प्रथा पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना, इससे विनम्रता आती है और मन को शांति तो मिलती ही है। साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। पांचवा फायदा, आध्यात्मिक और मानसिक यानी मेंटल ग्रोथ करनी हो तो छूने होंगे चरण। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं, उनका हाथ आशीर्वाद के तौर पर हमारे सिर के ऊपरी भाग को स्पर्श करता है। इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। छठा फायदा है, अनलिमिटेड एनर्जी पाने के लिए छूने होंगे चरण। इसका वैज्ञानिक पक्ष यानी साइंटिफिक रीजन यह है कि न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीजें ग्रेविटेशनल नियम पर चलती हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हुई हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो हमारे उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करके दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव यानी सिर से पॉजिटिव एनर्जी, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं, सिर से पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करके पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने को ही चरण स्पर्श कहते हैं। सिंपल भाषा में जब भी चरण स्पर्श करें तो दूसरों के आदरणीय जो भी आपके बड़े हैं उनके अंगूठे को स्पर्श करें, क्योंकि वहां पर उनकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। सेवेंथ फायदा, शो करता है हमारा कल्चर, हमारे वर्चूस। चरण स्पर्श और चरण वंदना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। आठवां फायदा, माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा, मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। नौवां फायदा, बुरे वक्त को भी पलटने की ताकत रखती हैं ये दुआएं और बड़ों का आशीर्वाद। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। बुजुर्गों के दिल से निकली दुआओं से आप वो सब भी पा सकते हैं जो शायद आपकी किस्मत में भी नहीं है। दसवां फायदा, पता है यह एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत तो होती ही है। झुककर पैर छूने से घुटनों के बल, बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत से शरीर फ्लेक्सिबल बनता है।
ग्यारहवां फायदा क्या है? कम होगा हमारा अहम यानी अहंकार और बनेंगे हम हम्बल। प्रणाम करने का एक फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, केवल उन्हीं के चरण स्पर्श करना चाहिए जिनके आचरण ठीक हो। चरण और आचरण के बीच भी सीधा संबंध है। सो स्टे हम्बल, स्टे ब्लेस्ड। धन्यवाद।